बलबीर सिंह डी एस पी साडी फतेहगढ़ चूड़िया दी संगत को अपील ते हदायत करता हाँ कि जो मानयोग पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस की बीमारी को रोकने लई करफ्यू ला के उपराला किया गया है उसका वध तो वध साथ दिता जाए। लोगों को यह अपील की जाती है कि अपने अपने घर के रह के इस चेन को तोड़िया जाए, बिना किसी सीरीयस एमरजेंसी तो घर तो बाहर ना आया जाए, बिना किसी कारण तो घर तो बाहर ना निकलिया जाए। इस बीमारी जिन्हां देशों में महामारी का रूप धारण कर गई है उन्हां देशों के हालात तो सीखा जाए, जिथे डेली बहुत ज़्यादा तादाद मौत हो रही, परिवारक मैंबर अपने ही परिवारक मैंबर के बॉडिया तो उन्होंने जी लाशा डर रहे हैं। इस करके मैं सारे लोगों को अपील करता, अपना पहली स्टेज पर ही गौरमेंट ने बहुत ही वधिया जिहड़ा फैसला लिया, असी पहली स्टेज पर सी इहनू इस करके रोक सकते हैं जे असी प्रिकॉशन लवेंगे, वध तों वध सावधानियां वरतांगे, अपने घर में रह के भी एक दूजे नाल हाथ ना मिलाओ, एक दूजे नूं मिलो ना, हाथ वध तों वध साफ करो, हाथों ऐन रगड़ के उपर तक पूरी तक बार बार धोवो, अपने लोहां नूं भी साफ करो, तो हाथों ऐन चंगी तरह अग्यों पिछयों मल के इहनू साफ किया जाए। सैनेटाइजर ना सैनेटाइजर की बार बार जिहड़ी आ वरतों की जाए। और मैं ये भी अपील करदा भी प्रशासन दिन रात एक करके डॉक्टर साहबान सिविल प्रशासन तो पुलिस प्रशासन काम कर रहा, अगर कोई बंदा कोई मनचला या शरारती अंसर बिना वजह सड़क पर अपना वहीकल लैके तुरै जाता सानूं मिलता, असी उहदे खिलाफ़ सख्ती करन तो बिल्कुल भी गुरेज नहीं करांगे। मैं दोबारा फिर अपील करदा संगत नूं, जिहड़े लोग इस काम दे विच साडा साथ दे रहे हैं मैं उन्हों का धन्यवाद करदा, और जिहड़े लोग हले भी इस नूं हल्का लै रहे हैं वह सावधान हो जाण ते सावधानियां वरतण, ते इह बीमारी पहली स्टेज पर ही रोकी जा सकती है। ठीक है जी, पंजाब सरकार वालों लगे हुए करफ्यू दौरान जिहड़ा भी हुक्मां की लंघना करेगा, करफ्यू के हुक्मां की लंघना करेगा, उहदे खिलाफ सख्ती नाल जिहड़ी आ कानूनी कार्रवाई अमल में लियांदी जाएगी, ते उहदे तों कार्रवाई करन तों गुरेज नहीं कीता जाएगा। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुर्म के